बाहा की एक रंगारंग शुरुआत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। बाहा के कन्वीनर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ऐसा लगता है कि हम जिस सपने को लेकर के 2006 से जहाँ से शुरुआत करी थी, वो एक छोटी सी शुरुआत 27 टीमों के साथ इस पीथमपुर के मैदान में बढ़कर इस बड़े पैमाने पे हो जाएगी और एक पैन इंडिया इवेंट हो जाएगा, ये कल्पना शायद हम उस समय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उस सारी कल्पना को साकार होते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन विशेष तौर पे मुझे ये बात जरूर कहना चाहूँगा मैं, वी आर थैंकफुल ऑफ स्पीड जिन्होंने बाहा को रफ्तार दी सही मायने में। इस उबड़ खाबड़ से ट्रेन, इस क्रॉस कंट्री के ऊपर जहाँ गाड़ी चलाने की सोच पाना भी अपना मुश्किल होता था, लेकिन जिस तरीके से स्पीड टीम ने उस चैलेंज को पार किया और एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ को, पेट्रोल जिसको हैंडल करना 2 लीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता है, उसे जब पहली बार लकड़ी के बक्सों में पैक करके ला करके यहाँ उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हमारा रिटेल आउट बनाते हैं और इस तरीके से हम फीडिंग करेंगे, तो वो ऐसा लगा जैसे शायद हमारे सपने को पूरा करने की डायरेक्शन में कोई हमारे साथ खड़ा हो गया है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। और स्पीड को जब हम यूज करते चले गए ईयर ऑन इवेंट ऑन इवेंट, तो आज 11 सालों से मैं देख के महसूस कर रहा हूँ कि शायद कहीं तो भी एक हमारे को भी हर बार ट्रैक चेंज करने का, उसमें और मुश्किलें पैदा करने का, उसमें और हर्डल बढ़ाने का मौका कहीं ना कहीं हमको स्पीड भी दे रहा है पीछे से। स्पीड ने शायद स्टूडेंट को वो रफ्तार दी कि वो किसी भी हर्डल को पार करते चले गए, और एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर और ऑटो एंथुजियास्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 11 सालों में ना तो हमें फ्यूल सप्लाई को लेकर कोई इशू आया, ना फ्यूल की क्वालिटी की वजह से कोई इशू आया। और अगर मैं एक इंजीनियर के बतौर देखूं उसको, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि स्पीड अपने स्पेशल ब्लेंड की वजह से शायद स्टूडेंट को और इंजन को एक बेहतर लाइफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो किसी भी हर्डल पे, किसी भी टेरेन पर, किसी भी तरीके से चैलेंज हो, वो उसको बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। तो आई एक्सप्रेस द बिग थैंक यू टू BPCL, आई एक्सप्रेस माई बिग थैंक यू टू स्पीड फॉर सपोर्टिंग बाहा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें रफ्तार देने के लिए, ऑफ कोर्स। थैंक यू।